हेलो फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये आंवला का सीज़न है, ये दुनिया का रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी का सीज़न है। यस, आंवला दुनिया का रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इससे ज़्यादा विटामिन सी आपको किसी और फूड में नहीं मिल सकता है, और साल में सिर्फ आपको एक ही मौका मिलता है ये आंवले का। तो मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, हर साल मैं इसकी तैयारी करता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फ्रेश आंवला है, डेली खाने के पर्पस के हिसाब से है। तो हर 5-6 दिन में मैं ऐसा फ्रेश आंवला लाता हूँ और खाता रहूँगा जब तक कि आंवला मिलता रहेगा। देन ये देख सकते हैं आंवला का अचार, जो कि फ्यूचर प्लानिंग है। जब आंवला ऐसे फ्रेश नहीं मिलेगा तब ये अचार ही मेरा सहारा रहेगा। तो ऑयल में जो भी कुछ डूबा हुआ है वो कभी ख़राब नहीं होता है, ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसके अलावा ये जो अचार है ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का काम करेगा। तो जब मुझे खाना रहेगा ऑयल अलग कर दूंगा, बाकी सारे जो इसमें सौफ है, कलौंजी है, मेथी दाना है, ये सारे हेल्दी सप्लीमेंट्स है। ये कई सारे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आपको सप्लाई करते हैं, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये पूरा साल भर का मेरा स्टॉक है, 7-8 किलो अचार बना के रखा है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देन देख सकते हैं ये आंवला कैंडी बना के रखा है। ये पूरे साल भर तो आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस 1-1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। तो उस हिसाब से मैंने इसका स्टॉक बना के रखा है। देन आप देख सकते हैं ये आंवला का लौंजी है, सूखा अचार है। अगेन इसको पूरे साल भर आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, 1-1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका स्टॉक बना कर रखा है। देन आप देख सकते हैं ये ड्राई आंवला है, सूखा आंवला, सुखाने पर ये काला पड़ जाता है, तो ये ख़राब नहीं होता है, सालों साल टिका हुआ रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये लास्ट ईयर का है, इतना ही बचा है, इसलिए और भी आंवला लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 8-9 किलो है ये, आप देख सकते हैं। इनको धोकर थोड़ा सा बॉईल करूँगा, इतना बॉईल जिससे कि इसके बीज सेपरेट हो सके। देन इसमें रॉक सॉल्ट ऐड करूँगा और काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगा, उसके बाद इसको सुखा के रख दूंगा और साल भर का मेरा टेंशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रेश आंवला है। अब सवाल है कि इसको कब और कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब होता यूँ है कि हर एक वीडियो में तो ये तो बताया जाता है कि आंवला के बेनिफिट्स क्या है, आपको आंवला के बेनिफिट्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली कितना आंवला खाना चाहिए। तो इसी वीडियो में मैं कवर करूंगा, इसीलिए वेट मशीन आप देख सकते हैं रखा है, जिससे मैं आपको एक्चुअल फिगर बता सकूं कि आप कितना आंवला खाने से आपका पूरा डेली का जो रिक्वायरमेंट वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, जब आप आंवला का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स निकालेंगे पर 100 ग्राम, तो आपको गूगल पे कहीं पर भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने भी कई सर्च किए, कुछ नहीं मिला। USDA का वेबसाइट पे भी जाके चेक करा, ऐसा इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो अलग अलग सोर्स से मैंने चेक किए, तो इतना तो पता चला है कि जो आंवला में विटामिन सी है, जो कम से कम सबसे लोएस्ट उससे कम हो ही नहीं सकता है, वो है 400 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। इतना विटामिन सी आपको मिलेगा, मतलब आप 100 ग्राम खाएंगे तो इतना तो मिल ही जाएगा, इससे कम तो विटामिन सी नहीं मिलने वाला। तो अब सवाल है कि डेली रिक्वायरमेंट कितना है विटामिन सी का और हमें कितना आंवला खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, महिलाओं को डेली 75 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, एंड पुरुषों को 90 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए रहता है। तो इतना तो साफ हो गया कि आपको डेली 100 ग्राम आंवला नहीं खाना है। आपको कितना खाना है, ऑन एन एवरेज 20 ग्राम से लेके 25 ग्राम के बीच आपको आंवला खाना है। अगर 20 से 25 ग्राम आप आंवला खाते हैं तो आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। मींस 25 ग्राम अगर आंवला खाते हैं तो आपको 100 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाएगा, डेली रिक्वायरमेंट से फिर भी ज्यादा है। अब सवाल है कि कैसे पता करें कि भाई आंवला का वेट कितना है, कितना खाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये वेट मशीन है, और ये जो आंवला मैंने रखा है ये सब बड़े साइज है, मतलब इससे बड़ा आंवला नहीं मिल सकता। ये बड़े बड़े साइज के आंवला है, मार्केट में छोटे छोटे आंवला भी आता है, तो ये बड़ा साइज का है। इसका अगर मैं वेट चेक करूं तो कोई 27 ग्राम का है, कोई 35 ग्राम का है, कोई 37 ग्राम का है, कोई 40 ग्राम का है। तो मैक्सिमम जो मैंने आंवला का वेट देखा है वो है 45 ग्राम का, और जो लोएस्ट इनमें से जो देखा है वो है 27 ग्राम का। तो अगर आप छोटा आंवला भी खरीदते हैं तो उसका वेट कम से कम 20 से 22 ग्राम होगा, उससे कम नहीं होगा, राइट? तो 1 ग्राम आंवला में से आपको कितना 4 मिलीग्राम विटामिन सी मिल रहा है। तो अगर ऑन एन एवरेज में 30 ग्राम का पकड़ के चलता हूँ आंवला का वेट है, तो अगर आप एक आंवला खाते हैं जो कि 30 ग्राम का है, तो आपको 120 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है, जबकि डेली रिक्वायरमेंट कितना है मैक्सिमम 90, उससे ज्यादा आपको विटामिन सी मिल जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। तो एक आंवला आपके लिए काफी है, थोड़ा सा बच भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अब ये है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन सी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, डेली का मैक्सिमम लिमिट आपका कितना है, 2000
मिलीग्राम, मतलब उतना तक लेंगे तो भी आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। डेली 90 तक ले रहे आपका पूरा रिक्वायरमेंट हो जाता है। तो आप अगर एक आंवला खाते हैं आप फ्री हो जाएंगे, राइट। तो साल भर का कितना होता है, 365 आंवला। तो उस हिसाब से 365 आंवला का अगर आप वेट निकाले 30 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 10 किलो 950 ग्राम आप स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे घर में ऑलरेडी मैंने 20-22 किलो का स्टोर करके रखा है, अचार और ये जो सूखा आंवला के फॉर्म के हिसाब से। फ्यूचर प्लानिंग ऑलरेडी कर लिए, हर साल ऐसे ही करता हूँ, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अब सवाल है कि आंवला को कैसे खाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको किस लीजिए, जैसे ऐसे किस लेते हैं, किसने के बाद क्या होगा, इसमें चुटकी भर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड कर दीजिए, चाहे सेंधा नमक हो या काला नमक, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। एंड इसके अलावा काली मिर्च पाउडर इसमें आप ऐड कर दीजिए। काली मिर्च पाउडर से क्या होगा कि इसमें पेपरिन मौजूद है जो विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कई बार होता है विटामिन सी ले तो रहे, इनटेक तो कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है। तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ऐड करने से ये विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, विटामिन सी को एब्जॉर्ब करवा देता है, इसलिए ये ऐड कर रहे हैं। तो टेस्ट का टेस्ट, साथ ही साथ पेपरिन एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहा है, विटामिन सी भी है, तो ऐसा टेस्ट बनाकर आप इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मौके को गवाइए मत, विटामिन सी का स्टोर आप कर लीजिए जैसे मैंने स्टोर किया है। क्योंकि पैक्ड फूड तो आपको मिलेगा, आंवला का मिल जाता है नो डाउट, लेकिन जब फ्रेश आंवला मिल रहा है तो पैक्ड में क्यों जाए। नहीं, अगर आपके यहाँ पर आंवला अवेलेबल है देन आप पैक्ड में जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब मेरा कहना है फ्रेश आंवला मिल रहा है, सस्ता पड़ेगा आपको। मैंने जो लिए 30 रुपये किलो करके लिए है और 20-22 किलो करीब मैंने लिए है, तो वो मुझे समवेयर अराउंड 550-600 के आसपास पड़ा है, राइट। तो आप सोचिए पैक्ड लेंगे कितना होगा, 1-2 लीटर का कॉस्ट कितना जाएगा, 600-700 तो ऐसे ही पड़ जाता है, वो भी महीने भर में खत्म हो जाएगा। तो उससे बेटर है ना कि जो आपका पैक्ड में जा रहा है उतने ही प्राइस में आप पूरे साल भर का स्टोर कर सकते हैं। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आप खुद बना रहे, शुद्ध है, आपके घर पे स्टोर रहेगा, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसका स्टोर बना के रख लीजिए। फायदे की अगर बात करें तो विटामिन सी एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मैं अभी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, जो भी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह हम सब करते हैं, इससे क्या होता है, कई सारे सेल्स डैमेज होते हैं, मींस फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, भूखे शेर की तरह होते हैं, घूमते रहते हैं, हंटिंग करते रहते हैं, इनको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो अब ये क्या करते हैं, हमारे जो सेल्स हैं इनको डैमेज करते हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में होंगे उतना ही चांसेस है आपका बीमार पड़ना, कैंसर वगैरह हो सकता है, कई सारी बीमारी हो सकती है, रिंकल्स जल्दी आएंगे, व्हाइट हेयर जल्दी बन जाएंगे, कई सारी बीमारी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इन भूखे शेर का पेट भरते हैं, मतलब ये उनको न्यूट्रलाइज करते हैं कि अच्छा फ्री रेडिकल से आपको ये चाहिए, आप सेल को डैमेज मत करो, आप ये लो, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इससे क्या होगा कि जितना एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में रहेगा, फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज नहीं कर पाएंगे, ज्यादा फ्री रेडिकल्स नहीं बन पाएगा, तो आपके समय से पहले रिंकल्स नहीं आएंगे, व्हाइट हेयर नहीं होंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, फिट हेल्दी रहेंगे, लॉन्ग लाइफ हो जाएगा आपका। तो टचवुड, आप देखिए मैं 36 रनिंग में हूँ, स्टिल मेरे अभी तक एक व्हाइट हेयर नहीं है, एक व्हाइट बियर्ड नहीं आया। आप देखते हैं हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ आंवला के ऊपर, तो वीडियो बनाता हूँ रेगुलर, आप देख रहे हैं एक भी व्हाइट हेयर नहीं आया। जबकि आज के जनरेशन में 16 से 17 साल की उम्र में भी आप बच्चों को देखिए कि व्हाइट हेयर आ जा रहा है, 20-22 की उम्र में व्हाइट बियर्ड आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आंवला का कमाल है। सिर्फ मैं आंवला के ऊपर नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप पता चला कि आप बोल रहे हैं कि भाई मैं आंवला भी खाना स्टार्ट किया मेरा तो नहीं हो रहा है। तो ये रातों रात नहीं होता, कई सालों से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। इसके अलावा योग, एक्सरसाइज, ये सब आपको करना पड़ेगा, सीजनल फूड ये सब खाना रहता है। तो जब तक चल रहा है मेंटेन करके चल रहा हूँ, आगे का पता नहीं, क्योंकि देखिए ये भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि पहले जो शुद्ध खाना मिलता था वो आज के तारीख में मिलना पॉसिबल नहीं है। आजकल हर चीज़ कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, सीजनल फूड छोड़िए 12 महीना कोई भी फूड आपको ईजिली मिल जाता है। तो ये जो हम अनसीजनल फूड वगैरह खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे शरीर में इम्पैक्ट करता है, केमिकल ट्रीटेड फूड वगैरह खा रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मजबूरी में जो भी अवेलेबल है वो खाना पड़ रहा है। तो मैं जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं ये नेचुरल फूड वगैरह है ये अभी तक मेरे को बचा के रखा है। अभी भी आप देख सकते हैं स्किन वगैरह जो भी है टोन्ड अप है, टाइट है, वाइट हेयर वगैरह नहीं आया। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पैक्ड फूड पे तभी जाइए जब आपके पास नेचुरल सोर्स ना रहे। और अगर आपके यहाँ पर नेचुरल सोर्स है, 60-70 रुपये किलो भी मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, फ्रेश आंवला मिल रहा है, इसका भरपूर लुत्फ़ उठाइए और प्लीज़ जाकर स्टोर कीजिए।
आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए और उनको भी आंवला स्टोर करवाइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।